एग्रीकल्चर कृषि मंत्री हाय हाय, कृषि मंत्री हाय हाय, कमलनाथ सरकार हाय हाय, कमलनाथ सरकार। इंदौर के कृषि कॉलेज में छात्रों का कमलनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पिछले 13 दिनों से लगातार जारी है। आक्रोशित छात्रों ने रविवार को कॉलेज के मेन गेट समेत कॉलेज में तालाबंदी कर दी। छात्रों की मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार कृषि के क्षेत्र में निजीकरण बंद करे, कृषि विभाग में खाली पड़े 5000 पदों को भरे और सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी का निजीकरण बंद करे। आंदोलनरत कॉलेज छात्रों ने कमलनाथ सरकार की शव यात्रा निकालकर चक्का जाम किया। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी हो गई। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए कॉलेज में काम कर रहे लोगों को भी बाहर निकाला और कॉलेज में सारे दरवाजों पर ताले जड़ दिए। प्रदर्शन के बाद छात्रों ने अपना मुंडन भी कराया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने चेतावनी भी दी कि जब तक सरकार उनके फैसले में बदलाव नहीं करती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा और आने वाले समय में वो जबलपुर और ग्वालियर यूनिवर्सिटी का घेराव कर उसे भी बंद करेंगे। महाविद्यालय को बंद किया, ताला लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो स्टाफ है वो सारे सभी लोग परेशान होंगे तो अपने यूनिवर्सिटी तक ये बात पहुँचाएंगे और यूनिवर्सिटी में लेके गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुँचाएगी। जो हमारी डिमांड है, हम डिमांड रखते हैं चार प्रकार की हमारी डिमांड है। एक, जो निजीकरण हो रहा है कृषि शिक्षा का, प्राइवेट कॉलेज खोले जा रहे हैं, कोई उनका रूपरेखा तैयार नहीं की गई, ICR के अंतर्गत होना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं, इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरी, हमारे रिक्त पद जो कृषि विभाग में खाली हैं उनके लिए डिमांड कर रहे हैं। तीसरा, हमारा जो मृदा परीक्षण की जो प्रयोगशाला रहती हैं ब्लॉक लेवल पे, उसमें सभी को निजीकरण कर रखा है। नॉन टेक्निकल लोगों को 10-12 हज़ार में वहाँ पे काम करवा रहे हैं, जबकि वहाँ पे ग्रेजुएट एग्रीकल्चर ग्रेजुएट बंदों से काम करवाना चाहिए। उसको लेके हमने आंदोलन किया है। और चौथी हमारी मांग है हॉर्टिकल्चर मंसूर कॉलेज को एग्रीकल्चर कॉलेज के बराबर उसको समतुल्य माना जाए। ये चार मुद्दे हैं। आपका नाम? दीपेश शर्मा। सर, आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे आपका क्या रणनीति रहेगी? हमारा ये जो आंदोलन है वो 15 जिलों में चल रहा है, जहाँ जहाँ कृषि महाविद्यालय, शासकीय कृषि महाविद्यालय सभी जगह। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे आपकी क्या रणनीति? हमारा आगे का कदम है, एक तो यूनिवर्सिटी में पहुँच के, दो यूनिवर्सिटी हैं जबलपुर और ग्वालियर, उनको बंद करना। अगर तब भी नहीं माना जाएगा तो हम सभी लोग पूरे मध्य प्रदेश छात्र इकट्ठे होकर भोपाल के लिए पैदल मार्च करेंगे। सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही तो प्रदेश के सभी कृषि कॉलेज के छात्र भोपाल तक पैदल मार्च निकालेंगे। वहीं प्रदर्शन के दौरान कृषि कॉलेज छात्रों ने पुलिस पर एक छात्र से अभद्रता का भी आरोप लगाया। फिलहाल देखना होगा कि कमलनाथ सरकार इन छात्रों की कब तक सुनती है और कब ये आंदोलन थमता है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट।